नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 19th चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहां पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार मीन्स चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज विद टाइम, रिजल्टिंग इन इट्स पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इवोल्यूशन ऑफ स्टार किसे कहते हैं? जब से वो जन्मा है स्टार, तब से उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या बदलाव आ रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे उसके अलग अलग स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट के, उसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। We have seen that the properties of the sun have not changed in the past 4.5 billion years. हमने पिछले वीडियो में यह देखा है कि 450 करोड़ वर्षों में सूर्य की प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं बदली है पिछले 4.5 अरब वर्षों में। Stars evolve very slowly for most of their lifetime. इससे हमें पता चलता है कि स्टार्स जो होते हैं तारे, वो बहुत धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। As stars are continuously emitting energy, their energy is constantly decreasing. हमें पता है stars जो है वो continuous energy emit करते रहते हैं, heat energy, light energy. उसके कारण क्या है? उनकी energy level जो है वो कम होते रहती है constantly. For their stability to remain intact, that is for maintaining a balance between the gas pressure and the gravitational force, it is necessary that the temperature remains constant. देखिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, देखिए गैस प्रेशर जो बाहर की तरफ धकेल रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ खींच रहा है, वो उनका बैलेंस रखने के लिए उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना आवश्यक होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब भी वो ये दो फोर्सेस बैलेंस रहते हैं। फॉर द टेम्परेचर टू रिमेन कॉन्स्टेंट, एनर्जी मस्ट बी जनरेटेड इन साइड द स्टार। और अगर टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट रखना है, वो तो एमिट कर रहा है ना, हीट एमिट कर रहा है कॉन्स्टेंटली। अगर हीट एमिट करता रहेगा और अंदर उसके हीट जनरेट नहीं हो रही, तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखना है तो स्टार के भीतर उसके अंदर एनर्जी जनरेशन कांस्टेंटली होनी चाहिए, तब उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ऑल दो ही इज एमिटिंग लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी ऑकर्स बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एट द सेंटर ऑफ द स्टार। ये कैसे होती है एनर्जी जनरेशन? जो फ्यूल बर्न करते हैं सेंटर में, सेंटर ऑफ स्टार में फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे हमारे सन में हाइड्रोजन फ्यूल होता है। द रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इज द बर्निंग ऑफ इट एंड देयर फॉर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन देयर सेंटर। तो इवोल्यूशन क्यों होता है स्टार्स का, बदलाव क्यों आता है उनके प्रॉपर्टीज में? क्योंकि उनके फ्यूल बर्निंग के कारण, और वो फ्यूल धीरे धीरे कम होते जाता है जो उनके सेंटर में होता है, उसके कारण उनका प्रॉपर्टीज बदल जाती है और उनका इवोल्यूशन होता है। व्हेन द फ्यूल इन द सेंटर फिनिशेस, द एनर्जी जनरेशन स्टॉप्स। जब सेंटर में जो गैस है वो एनर्जी जनरेशन बंद हो जाती है, तब जब फ्यूल खत्म हो जाता है तब एनर्जी जनरेशन रुक जाती है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स डिक्रीजिंग। तो अभी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होते जा रही है। ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर, द गैस प्रेशर डिक्रीजेस एंड द बैलेंस बिटवीन गैस प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी मेंटेन। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, गैस प्रेशर जो है कम होते जाता है, बाहर की तरफ धकेलने वाला प्रेशर जो है वो कम होते जाता है, और गैस प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है गैस प्रेशर के मुकाबले में ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नाउ हायर देन द गैस प्रेशर, द स्टार स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गैस प्रेशर से बढ़ जाता है, उसके कारण वो स्टार धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। हमने देखा है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टार को अंदर की तरफ खींच रहा है और गैस प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ धकल रहा है। अभी गैस प्रेशर बिल्कुल खत्म ही हो गया, निग्लिजिबल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो वो अंदर की तरफ खींचते चले जाता है
और वो छोटा छोटा होते जाता है स्टार, ठीक है। दिस कॉजेस अनदर फ्यूल टू स्टार्ट बर्निंग, एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन एट द सेंटर इज फिनिश्ड, हेलियम स्टार्ट्स अंडर गोइंग फ्यूजन एंड एनर्जी जनरेशन स्टार्ट्स अगेन। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ग्रेविटेशन के कारण, तो दूसरा जो फ्यूल है वो बर्निंग शुरू हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन खत्म हो गया, पूरा हाइड्रोजन हेलियम में कन्वर्ट हो गया, तो जो अवेलेबल हेलियम है वो बर्न होना शुरू हो जाता है जब वो उसका फ्यूजन होने लगता है और एनर्जी जनरेशन फिर से शुरू हो जाता है। हाउ मेनी फ्यूल्स विल बी यूज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टार, ऐसे कितने कन्वर्जन्स होकर अलग अलग फ्यूल्स बनेंगे और वो यूज किए जाएंगे, ये किस पर निर्भर होता है, वो मास ऑफ द स्टार पर निर्भर होता है, उसका मास कितना है उस पर। हायर द मास ऑफ द स्टार हायर इज द नंबर ऑफ फ्यूल्स यूज, जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्यूल्स यूज होंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएंगे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। ड्यूरिंग दिस अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑकर इन द स्टार, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान बहुत से चेंजेस होते हैं स्टार्स में। एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑकर इन साइड द स्टार इट समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड्स एट अदर टाइम्स एंड द स्टार गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, कभी कभी वो स्टार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी वो एक्सपांड हो जाता है और अलग अलग स्टेजेस में से जाता है। वो कौन से स्टेजेस है आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर फोटो में दिखाया है नीचे। When all possible fuels are exhausted, the energy generation finally stops and the temperature of the star starts decreasing. जब सारे fuels खत्म हो जाते हैं तब energy generation पूरा रुक जाता है और temperature धीरे 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 कम होते जाता है। The balance between gravitational force and gas pressure cannot be maintained. तो again gas pressure कम हो जाता है, gravitational force बढ़ जाता है। Let us now see how the evolution of stars ends and what the end stages of stars are, कैसे कैसे evolution होते जाता है star का और end stages उसके अंतिम उनके चरण क्या होते हैं stars के। End stages of stars, the higher the mass of the star faster is its rate of evolution, जितना बड़ा star होगा उतना उसका evolution fast होते जाएगा, तेजी से होता जाएगा। The different stages during the evolution of a star which is the path of evolution of the star also depends on its mass, जो कौन से रास्ते से, दो तीन रास्ते है evolution of star के, वो कौन से रास्ते से जाएगा evolution, कौन से रास्ते से होगा वो भी mass पर dependent होता है। How does the evolution finally stop, बाद में evolution कैसे रुक जाता है finally वो हम देखेंगे। We have seen that when the energy generation stops the temperature decreases causing the gas pressure to डिक्रीज, हमने ये देखा है जब एनर्जी जनरेशन रुक जाता है तब गैस प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है और गैस प्रेशर भी कम होते जाता है। द स्टार कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे अंदर की तरफ खींचते चले जाता है, जब अंदर की तरफ पूरा मटेरियल खींचा चला जाता है तब उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कम जगह में ज्यादा गर्दी हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। Some new types of pressures are generated which do not depend on the temperature of the gas. कुछ और नए pressures develop हो जाते हैं जो temperature पर dependent नहीं होते, temperature कम होने के बावजूद वो pressures develop होते हैं। In such case, the gas pressure remains constant even after the energy generation stops completely and the temperature of the gas goes on decreasing. तो gas pressure constant ही रहता है, कम रहता है, यानी वो बढ़ता नहीं है, तो वो क्या है, एनर्जी जनरेशन पूरी तरीके से रुक जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है धीरे 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 कम होते जाता है क्योंकि एनर्जी जनरेशन जो है रुक चुका है। द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टार कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर एवर एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एंड स्टेज ऑफ अ स्टार, तो ऐसे वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है और वो हमेशा के लिए ऐसा रह जाता है और इसे ही एंड स्टेज ऑफ अ स्टार कहते हैं। देखिए दो तीन इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन देयर मास एंड देयर स्टेजेस, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स कैसे है, कुछ इंटरस्टेलर क्लाउड्स है, हमने देखा है इंटरस्टेलर क्लाउड्स जब पास आने लगते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तब उनसे स्टार्स बनते हैं, जब लो मास का स्टार बनता है तो वो ऐसा होता है ब्राइट, लो मास का स्टार छोटा सा, फिर उसको जब वो उसका एंड स्टेज आने लगती है तब वो रेड जायंट हो जाता है, उसका वो एक्सपांड करता है पहले और रेड कलर का हो जाता है। आपको पता है जब
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली हीट होती है तब वो वाइट कलर की दिखती है, फिर उसका येलोइश दिखता है, फिर बहुत डल अगर हो जाए कोई भी आग तो वो रेड हो जाता है। वाइट यानी बहुत टेम्परेचर होता है, तो रेड जायंट बनता है, और जायंट यानी बड़ा सा स्टार रेड कलर का, टेम्परेचर कम हो जाता है उसके कारण रेड हो जाता है, फिर उसका एक्सप्लोजन हो जाता है, फिर एक्सप्लोड होने के बाद वो व्हाइट ड्वार्फ बनता है। इसका देखिए वो देखेंगे हम, देर आर थ्री वेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल मास, उनका शुरुआती मास कितना है उसके आधार पर तीन तरह के इवोल्यूशन के वेज है फॉर स्टार। दस वी कैन डिवाइड स्टार्स इंटू थ्री ग्रुप्स, तीन तरह के स्टार्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। द पाथ ऑफ रिवोल्यूशन एंड एंड स्टेज फॉर ऑल स्टार्स इन द सेम ग्रुप इज द सेम, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। इवेल्यूएशन ऑफ स्टार्स बेस्ड ऑन देयर मास एंड देयर एंड स्टेजेस। एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस देन 8 टाइम्स द मास ऑफ द सन, दैट इज एम स्टार इज लेस देन 8 m मास। यानी अगर हमारे सूर्य के 8 गुना से कम है किसी स्टार का मास तो उसके एंड स्टेजेस कैसे होगी? 8 सन से कम है उसका मास, तो स्टार्स इन दिस ग्रुप अंडर गो ह्यूज एक्सपांशन एंड देयर रेडियस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 100 to 200। तो ये जो स्टार्स होते हैं जब उनकी एंड स्टेज आने लगती है तब वो बहुत ज्यादा एक्सपांड होने लगते हैं और उनकी रेडियस 100 गुना या 200 गुना बढ़ जाती है। इन दिस स्टेज दे आर कॉल्ड रेड जायंट स्टार्स, उन्हें रेड जायंट स्टार्स कहा जाता है। देखिए ये है, दिस नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द स्टार लुक्स रेडिश ड्यू टू देयर लोअर टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया ये रेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम टेम्परेचर पे हो जाते हैं और उनकी साइज बढ़ जाती है, उसके कारण उन्हें रेड जायंट यानी लाल बड़ा वाला स्टार ऐसा कहते हैं। द साइज ऑफ अ रेड जायंट स्टार इन कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ स्टार्स आर एज शोन इन फिगर 19.2A। देखिए रेड जायंट स्टार की साइज अप्रोक्सीमेटली ऐसी होती है। द एंड ऑफ दिस इवोल्यूशन दी स्टार्स एक्सप्लोर एंड देयर आउटर गैस एनवलप इज थ्रोन आउट। तो क्या होता है इस स्टार, ऐसे तरह के स्टार्स के एंड में क्या होता है इवोल्यूशन के, वो स्टार एक्सप्लोर कर जाता है और एक्सप्लोजन के कारण बाहर का गैस का जो उनका लेयर होता है, एनवलप जो होता है, कवरिंग जो होती है, वो बाहर की तरफ चली जाती है, फेंकी चली जाती है। द इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स साइज बिकम सिमिलर टू द साइज ऑफ द अर्थ, और अंदर वाला जो कोर वाला हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है और वो अप्रोक्सीमेटली हमारे अर्थ के साइज जितना हो जाता है, उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ यानी व्हाइट कलर का छोटा तारा जो बिल्कुल हमारे अर्थ जितना होता है नियरली। एज द मास ऑफ द स्टार इज मच हायर देन दैट ऑफ द अर्थ एंड द साइज इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ द डेंसिटी इन द स्टार बिकम्स वेरी हायर। देखिए ये तारा होता तो हमारे अर्थ जितना है लेकिन उसका मास हमारे अर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा मास कम जगह में बिठाया जाता है तब उससे डेंसिटी होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है उसके कारण, तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होता है बहुत ज्यादा। इन दिस स्टेट द प्रेशर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टार बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड इज एबल टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रेशर जो होता है, जब डेंसिटी बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे तब उनके बीच में प्रेशर तो होगा ही, तो वो प्रेशर जो है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, वो टेम्परेचर कितना भी रहे, ठंडा रहे गर्म रहे कितना भी रहे, लेकिन वो हमेशा के लिए उतना प्रेशर बना ही रहता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देता है। इन दिस स्टेट द स्टार लुक्स व्हाइट एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट इज कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ। तो छोटी साइज के कारण उसे ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी छोटा, व्हाइट कलर का होता है और व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है, यानी व्हाइट सफेद वाला छोटा वाला तारा। आफ्टर दिस इट्स टेम्परेचर कीप्स डिक्रीजिंग बट इट्स साइज एंड मास रिमेन्स अनचेंज फॉर एवर एंड सो व्हाइट ड्वार्फ इज इन द स्टेज ऑफ स्टार्स इन दिस मास रेंज। तो इसका टेम्परेचर तो कम होते जाता है लेकिन साइज और मास बिल्कुल अनचेंज रहता है हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो व्हाइट ड्वार्फ जो है इसी, इसकी जो है वो लास्ट स्टेज ही माना जाता है, ठीक है। 8 टाइम्स मास ऑफ सन से कम जो है जिनकी मास, उनकी एंडिंग ऐसी होती है।
देखिए ये है द आउटर गैसेस एनवलप विच इज थ्रोन आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट ड्वार्फ विच इज एट द सेंटर। देखिए ये सेंटर में व्हाइट ड्वार्फ है, उसका एक्सप्लोजन हो गया और ये बाहर गैस का एनवलप है वो बाहर की तरफ उड़ गया पूरा। डू यू नो व्हेन द सन विल बिकम अ रेड जायंट इट्स डायमीटर विल इंक्रीज सो मच दैट इट विल स्वालो मर्क्यूरी एंड वीनस। इट इज पॉसिबल दैट द अर्थ विल ऑल्सो बी एब्सॉर्ब बाय द सन। इट विल टेक 4 to 5 billion years for the sun to reach this stage। देखिए हमारा ऐसा माना जाता है हमारे सूर्य की भी ऐसे ही एंडिंग होगी। सूर्य जब एंड होगा तब वो एक्सपांड होते जाएगा और ये जो उसके नजदीक जो प्लैनेट्स है मर्क्यूरी वीनस वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि वो ये इन दो प्लैनेट्स को निगल लेगा। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इतना बड़ा भी हो जाएगा कि हमारे पृथ्वी अर्थ को भी वो निगल लेगा, यानी इतना बड़ा हो जाएगा गिळून टाकेल पृथ्वीला पण। ये नियरली 400-500 करोड़ वर्षों बाद होगा, 4-5 अरब वर्षों बाद ऐसा माना जाता है। सेकेंड है 8 stages ऑफ स्टार्स हैविंग मास बिटवीन 8 and 25 times द मास ऑफ द सन। हमारे सन से 8 times अगर मास हो, 8m सन इज लेस देन मास ऑफ स्टार इज लेस देन 25 मास ऑफ सन, यानी 8 suns to 25 suns इनके बीच में जब मास होगा उस स्टार का तो उसका क्या होता है एंड। दी स्टार्स ऑल्सो गो थ्रू द रेड जायंट स्टेज एंड लेटर थ्रू द सुपर जायंट स्टेज ड्यूरिंग विच देयर साइज में इंक्रीज 1000 times। ये स्टार्स भी क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, रेड होते जाते हैं, रेड जायंट बन जाते हैं और उनकी साइज 1000 गुना बढ़ जाती है। The huge explosion called the supernova explosion which occurs at last is very powerful and so much energy is given off that we see the star during the day also। तो बहुत बड़ा explosion हो जाता है, विस्फोट बहुत बड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं supernova explosion। और वो इतना powerful होता है, इतनी ज्यादा energy उसमें से छोड़ी जाती है, इतना bright हो जाता है उस समय वो star कि हम दिन के समय भी सूर्य के आपको पता है दिन के समय तो हम चंद्र या तारे नहीं देख सकते, तो इतना वो ब्राइट हो जाता है कि हम दिन के समय भी वो तारा देख सकते हैं, इतना ब्राइट हो जाता है वो। देखिए इंटरस्टेलर क्लाउड से हाई मास वाला स्टार बन गया, उसे सुपर जायंट बन गया एक्सपांड होकर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, देखिए कितना ब्राइट है ये। ठीक है अभी इनके 2 stages आगे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं देखिए। द सेंट्रल पोर्शन विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सप्लोजन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स साइज बिकम्स एज स्मॉल एज अबाउट 10 किलोमीटर। तो सेंट्रल जो पोर्शन होता है, सेंट्रल जो मास होता है वो बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचते चले जाता है और वो इतना छोटा हो जाता है कि उसका नियरली साइज 10 किलोमीटर इतना छोटा हो जाता है। इन दिस स्टेट द स्टार्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड आर कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स। तो ऐसे स्टेज में वो क्या होता है, स्टार्स पूरी तरह से न्यूट्रॉन्स से बने हुए होते हैं, उनमें ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रोटॉन्स होते हैं, वो पूरे न्यूट्रल होते हैं चार्ज से, उन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है। द प्रेशर ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इज कैपेबल ऑफ बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एवर। तो ये न्यूट्रॉन्स इतने करीब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कि उनका प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाते हैं हमेशा के लिए, वो वैसे ही रहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार इज द एंड स्टेज ऑफ दी स्टार्स। तो इनका न्यूट्रॉन स्टार्स ये एंड स्टेज है, 8 mass of sun to 25 mass of sun वाले स्टार्स का एंड ऐसा है। देखिए डू यू नो एज द साइज ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ देयर डेंसिटी इज वेरी लार्ज। देखिए हमने देखा है व्हाइट ड्वार्फ्स जो बनते हैं लेस देन 8 mass of suns जो होते हैं स्टार्स, उनके बाद उनका एंड क्या होता है व्हाइट ड्वार्फ में होता है। तो वो जो होते हैं वो छोटे होते हैं, साइज अर्थ जितनी होती है लेकिन उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मास बहुत ज्यादा होता है। तो वन स्पूनफुल मटेरियल ऑफ द व्हाइट ड्वार्फ विल वे फॉर वे अ फ्यू टन्स। तो उनकी डेंसिटी इतना ज्यादा होती है, कम जगह में इतना ज्यादा मटेरियल भरा होता है उनके इसमें कि अगर आप एक चम्मच भर उस स्टार का निकालोगे मटेरियल तो एक चम्मच भर का वेट जो होगा, वजन जो होगा कुछ टनों तक होगा, टन 1 टन यानी 1000 किलो होता है, तो कुछ टन तक बस चम्मच भर मटेरियल का वजन होगा।
एज न्यूट्रॉन स्टार्स आर मच स्मॉलर देन द व्हाइट ड्वार्फ्स देयर डेंसिटी इज इवन हायर. न्यूट्रॉन स्टार्स जो बनते हैं ये हमने देखे, तो देखिए ये जो एक्सप्लोजन है सुपरनोवा एक्सप्लोजन वो कब हुआ था. अ रिसेंट पिक्चर ऑफ द सुपरनोवा एक्सप्लोजन विच वॉज फर्स्ट सीन इन 1054 AD, नियरली 1000 साल पहले हुआ था. तो न्यूट्रॉन स्टार तो और भी छोटा होता है व्हाइट ड्वार्फ से, उनकी डेंसिटी और भी हायर होती है. और न्यूट्रॉन स्टार का एक चमचा अगर मटेरियल निकालोगे तो उसका वजन, बस एक चम्मच भर मटेरियल का वजन होगा सारे जो लिविंग थिंग्स है हमारे अर्थ पर, सारे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका वजन जितना होगा उतना एक चम्मच भर का वजन होगा. अ स्टार इन अवर गैलेक्सी एक्सप्लोडेड अबाउट 7500 ईयर्स बैक. एज द स्टार इज अबाउट 6500 ईयर्स लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, द लाइट एमिटेड इन द एक्सप्लोजन टुक 6500 ईयर्स टू रीच अस. एक स्टार जो है हमारे गैलेक्सी में 7500 वर्ष पहले उसका विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन वो स्टार जो है वो हमसे इतना दूर है, 6500 लाइट ईयर्स दूर है. तो वहां से जो एक्सप्लोजन हुआ था वो प्रकाश, वो जो लाइट है एक्सप्लोजन का, वो हम तक पहुंचने के लिए 6500 साल लग गए. तो उसके बाद वो हमारे पास पहुंचा उसका प्रकाश 6500 वर्षों बाद. इट वॉज फर्स्ट सीन ऑन द अर्थ बाय द चाइनीज इन द ईयर 1054. तो वो पहली बार 8000 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ष पहले एक चाइनीज द्वारा देखा गया था. इट वॉज सो ब्राइट दैट इट कुड बी सीन ड्यूरिंग द डे ऑल्सो फॉर 2 ईयर्स. तो उस साल 1054 साल में 2 वर्षों के लिए दिन के समय भी वो तारा दिखता था, इतना वो पावरफुल एक्सप्लोजन था. सूर्य की उपस्थिति में भी वो चमकता था. आफ्टर 1000 ईयर्स ऑफ एक्सप्लोजन द गैसेज एमिटेड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन आर सीन टू बी एक्सपांडिंग विद वेलोसिटीज हायर देन 1000 किलोमीटर पर सेकेंड. 1000 साल एक्सप्लोजन के बाद होने के बाद उसमें से गैसेस निकल रहे हैं और वो एक्सपांड होते जा रहे हैं, उसके वेलोसिटीज जो है वो 1000 किलोमीटर पर सेकंड की तेजी से वो गैसेस छोड़ रहा है. थर्ड, 8 stages ऑफ स्टार्स हैविंग मास लार्जर देन 25 times द मास ऑफ द सन. ऐसे स्टार्स जिनका मास 25 times मास ऑफ सन से ज्यादा है, यानी 25 सूर्यों से भी ज्यादा जिनका मास है, उनका क्या एंड होता है. These stars evolve like the stars in the second group, but after the supernova explosion, no pressure is capable of balancing their huge gravitational force and they continue contracting forever. ऐसे जो stars होते हैं उनका gravitational force इतना ज्यादा होता है कि वो pressure, कोई भी pressure उनको balance ही नहीं कर पाता, कोई भी pressure उन्हें रोक ही नहीं पाता. तो वो gravitational force अंदर की तरफ खींचते रहता है उन्हें. तो अंदर की तरफ खींचते रहने के कारण क्या होता है, उनकी साइज हमेशा हमेशा तेजी से कम होते जाती है, छोटी 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 होती जाती है. एज देयर साइज बिकम स्मॉलर देयर डेंसिटी एंड देयर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस ट्रीमेंडसली. जैसे जैसे उनकी साइज कम होते जाती है वैसे वैसे उनकी डेंसिटी भी बढ़ते जाती है. जैसे जैसे उनकी डेंसिटी और मास बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनका ग्रेविटेशनल फोर्स और भी बढ़ते जाता है. जैसे जैसे उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनकी छोटी होने की स्पीड भी और तेज होते जाती है. All nearby objects get attracted towards these stars and nothing can come out of them, not even light. तो ये जो objects होते हैं उन्हें black holes कहा जाता है. तो उनमें से कुछ आसपास के सारे वस्तु, उनका gravitational force इतना ज्यादा होता है कि वो खुद को तो अंदर की तरफ खींच ही रहे, लेकिन आसपास जो planets है, आसपास जो stars है, उनको भी अंदर अपनी तरफ खींच लेते हैं, उतना powerful होता है. तो उनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता, even प्रकाश भी एब्सॉर्ब किया जाता है उनके द्वारा, लाइट भी एब्सॉर्ब किया जाता है, लाइट भी नहीं बच पाता उनके फोर्स से. ऑल्सो द लाइट फॉलिंग ऑन दीज स्टार्स डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एंड गेट्स एब्सॉर्ब इनसाइड द स्टार. तो लाइट भी बाहर नहीं निकल पाता, वो भी अंदर चला जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है. दस वी कैनॉट सी द स्टार एट ऑल बट कैन प्रोबेबली सी अ माइन्यूट ब्लैक होल एट इट्स प्लेस. तो क्या होता है, वो स्टार वहां पर कुछ भी नहीं देखा देता, जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं नॉर्मल टेलीस्कोप से, तो वहां पर एक डार्क स्पॉट दिखाई देता है, काला धब्बा दिखाई देता है, एक ब्लैक होल कहते हैं उसके कारण उसे.
दिस एंड स्टेज ऑफ द स्टार इज देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लैक होल. तो ये जो होता है वो अंदर की तरफ खींचता ही रहता है आसपास के मटेरियल्स को. दस वी हैव सीन दैट डिपेंडिंग ऑन मास दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, थ्री एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स एंड दीज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. देखिए जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं वो ऐसे, यहां तक तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक सेम होता है, बाद में वो ब्लैक होल बन जाते हैं. देखिए कुछ भी नहीं, यहां पर ब्लैक है, कुछ भी नहीं दिखा देता उनमें से. जब उनकी तरफ हम टेलीस्कोप लगाते हैं तब एक काला स्पॉट दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखा देता. इनिशियल मास ऑफ द स्टार, एंड स्टेज ऑफ द स्टार, ये कैसे याद रखना है? अगर इनिशियल मास ऑफ द स्टार इज लेस देन 8 मास ऑफ सन देन व्हाइट ड्वार्फ इज फॉर्म्ड. इफ द मास ऑफ द स्टार इज 8 to 25 मास ऑफ सन देन न्यूट्रॉन स्टार इज फॉर्म्ड. And if the mass of the star is more than 25 mass of sun, then a black hole is formed. ठीक है, तो यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है. दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलता है नए नए वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए. मुझे नए एनर्जी से मुझे नई प्रेरणा प्रोत्साहन मिलता है नए वीडियोज आप तक पहुंचाने के लिए. तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए. कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछना मत भूलिए. धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए.